चाहता हूं कि आप सभी के घर धमधम कुछ ही क्षण में प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत से स्कूल यहाँ पहुंच चुके हैं, कुछ रह गए हैं, वो कुछ ही क्षण में हमारे बीच आने वाले हैं। अभी कुछ देर बाद में यहाँ से अनाउंसमेंट होगी, तो सभी स्कूल के जो भी टीचर्स आए हैं वो रिफ्रेशमेंट बच्चों के लिए यहाँ आ चुका है हमारे बीच में, वो बैक स्टेज जाकर वो अपने अपने रिफ्रेशमेंट के पैकेट ले लेंगे। और यहाँ डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, सभी से ये अनुरोध है कि डस्टबिन में ही जो कूड़ा हो सब डस्टबिन में ही डालें। पीने के पानी की उचित व्यवस्था रखी गई है, वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। और माननीय विधायक दीप प्रज्वलित करते हुए निवेदन करूंगा, 25 से आप यहाँ दीप प्रज्वलित करें। नवाब सिंह जी हमारे मॉडल है, आपसे भी निवेदन करूंगा आप यहाँ दीप प्रज्वलित सहयोग करें। जो हमारे राज्य के जज हैं नेहा अरविंद जी, अवधेश कुमार झा जी, चेतानी सरकार जी, आपसे भी निवेदन करूंगा। रजिस्ट्रार महोदय जी भी 25 से आप यहाँ माल्यार्पण करें। नवाब सिंह जी से भी निवेदन करूंगा आप यहाँ माल्यार्पण करें। ग्रेटर नोएडा रामलीला के इस शुभ आयोजन के शुभ अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके परमप्रिय आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, इस रामलीला कमेटी के आयोजन में दिन और रात परिश्रम करने वाले और इस कमेटी के सर्वप्रथम अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह जी, कमेटी के अन्य पदाधिकारीगण सौरभ जी, मनोज जी और जितने भी मेरे सम्मानित मंचासीन साथी हैं, उन सबको सर्वप्रथम मैं प्रणाम करते हुए भगवान राम के चरणों में अपनी अरदास को लगाते हुए इस कार्यक्रम के सफल होने की मैं आप लोगों को सभी को बधाई देता हूं। युवा जोश से भरे हुए केके शर्मा जी से निवेदन करूंगा आप आए और बच्चू सिंह जी को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करें। विनोद कसाना जी से निवेदन करूंगा आप आए और बच्चू सिंह जी को माला पहनाकर स्वागत करें। कुलदीप शर्मा जी से निवेदन करूंगा आप आए और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। युवा जोश से भरे हुए आज सर सर विजय महोत्सव 2019 के आगाज पर रामलीला कमेटी लोग सोच रहे होंगे कि आज ये कपड़े के थैले बच्चों को क्यों बांटे जा रहे हैं, मुझे इसका इतिहास आपको बताना जरूरी मैं समझता हूँ। सन 1917 बिहार का चंपारण बिहार का एक ऐसी जगह थी जहाँ ब्रिटिश हुकूमत में किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी और उस नील की खेती से जो मुनाफा होता था वो ब्रिटिश हुकूमत अपने साथ ले जाती थी। महात्मा गांधी ने ब्रिटानिया हुकूमत की इस दमनकारी नीति के खिलाफ चंपारण में सत्याग्रह करने का निर्णय किया और वो 3 दिन के लिए चंपारण गए थे 1917 में। उन्होंने सत्याग्रह तो किया लेकिन उन्होंने देखा कि किस तरीके से लोग गंदगी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बीमारियां उनके शरीर में घर कर रही हैं। महात्मा गांधी चूंकि बाहर भी उन्होंने वकालत की थी और बहुत सारी दुनिया को घूमकर हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने निश्चय किया कि मैं यहाँ के लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाऊंगा ताकि वो लोग स्वच्छ रहना और स्वस्थ रहना सीख सकें। 1917 में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की स्वच्छता के लिए एक सपना देखा था लेकिन वो किन्हीं कारणों से साकार नहीं हो पाया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाकर 2 तारीख से प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। यह एक अभूतपूर्व निर्णय है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा उत्पाद है जो मिट्टी में घुलता नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हम देखते हैं कि किस तरीके से सड़कों के किनारे प्लास्टिक गंदगी फैलाता है और इससे बने हुए उत्पाद इस दुनिया के पर्यावरण के लिए खतरा बन चुके हैं। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ग्रेटर नोएडा रामलीला कमेटी का कि हमारे महात्मा गांधी ने जो सपना 1917 में देखा था और जिस सपने को साकार करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने आज बीड़ा उठाया इतने वर्षों बाद, उन दोनों महापुरुषों के सपनों को फलीभूत करने के लिए समाज में जन जागरण लाने के लिए यह रामलीला कमेटी आज कपड़े के थैले बांटकर इन बच्चों के माध्यम से तकरीबन 700 घरों में संदेश पहुंचाएगी। मैं उनके इस पुनीत कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। और जब भी बाजार जाएं कपड़े का थैला लेकर जाएं, और ये थैले वितरित होने के तुरंत बाद 1 मिनट का संकल्प हम सभी यहां उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों से पर्यावरण को स्वच्छ व शुद्ध रखने के लिए सभी कलाकारों के साथ संकल्प लेने की अपील करती है। क्या आप सभी तैयार हैं हमारे साथ संकल्प लेने के लिए? हम संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक बार प्रयोग में आने वाली पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। आज से हम जब भी सामान लेने बाजार जाएंगे अपने साथ कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएंगे। जी हाँ साथियों, हमारा ये छोटा सा प्रयास भी आपके सहयोग से पर्यावरण को स्वच्छ व शुद्ध रखने में सहायक होगा। जय श्री राम। आज आप